नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है बप्पी सिंह, आप देख रहे हैं बप्पी कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल मैगी मसाला, साथ साथ आपको एक इन्ग्रीडियंट्स बताएंगे जिससे एकदम बजरों वाले टेस्ट मिलेगा, एकदम बढ़िया वाले दोस्तों। तो करते बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। ये दो मीडियम साइज की प्याज है, तीन टमाटर, एक हरी मिर्च ले लिए दोस्तों। अब रख लेते एक पैन, दो से तीन चम्मच डाल देंगे हम तेल। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, मैं ऑलिव ऑयल का यूज कर रहा हूँ दोस्तों। गैस का पहले मीडियम टू हाई रखेंगे, इस पर हम डाल देंगे हमारे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। इसी तरह टॉस करते हुए, करछी की मदद से चलाते हुए इसको एक मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसी तरह सॉटे कर लेंगे। हल्का सा कच्चापन खत्म करना है हमें। ये हमारे पास दो पैकेट मैगी है दोस्तों, आप अपना मनपसंद मैगी कोई भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट इसी तरह प्याज को हम भून लेंगे दोस्तों, हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब इस पर हम डाल देंगे हमारे टमाटर। टमाटर के ऊपर से हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि हमारा टमाटर फटाफट से गल जाए दोस्तों। आधा चम्मच डाल देंगे कुटी लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से डाल देंगे मीट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब डाल देंगे मैगी मसाला का पैकेट, दो पैकेट है, दो पैकेट मैगी में दो पैकेट मसाला था दोस्तों, दोनों डाल दिए हमने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, दो कप पानी लेंगे हम दोस्तों। दो मैगी का पैकेट है तो दो कप पानी लेंगे हम। कप हमारे पास बड़े वाले है जिसको हम मग कहते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे दोस्तों, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब डाल देंगे हम मैगी, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डाल दिए दोस्तों हम। ऊपर से डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया। अब इसको एक मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढक के छोड़ देंगे दोस्तों। एक मिनट के बाद कवर हटा लेंगे, करछी की मदद से इसको हम चला लेंगे दोस्तों। बहुत ही इजी टू क्विक रेसिपी है दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यह है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शेजवान चटनी, बिल्कुल आप इसको जरूर डाल सकते हैं दोस्तों, डालिए, बिल्कुल बाजारों वाली टेस्ट आएगा आपको, बिल्कुल चटपटा। और अगर आपके पास शेजवान चटनी ना हो तो आप रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आप एक बार शेजवान चटनी है तो आप डाल के बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है दोस्तों। साथ साथ डाल देंगे आधा चम्मच अमूल बटर, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एक बार आप इस रेसिपी को इसी तरह जरूर बनाइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनता है। और हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको हमारा ये मैगी मसाला रेसिपी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब इसको एक मिनट के लिए इसी तरह गैस के ऊपर रख देंगे, अच्छे तरह ये थोड़ा पानी सूख जाए। ऊपर से डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर रखिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।